शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो हम दोनों शादी कर सकते हैं ना यश? क्या सोच रहे हो यश? हाँ कहो ना। अब तो अंजलि ने भी खुशी खुशी कह दिया है कि तुम्हारा और उसका रिश्ता खत्म। इन पेपर्स पर साइन करने के बाद तो ये शादी टूट जाएगी ना वकील साहब। शादी का रिश्ता खत्म करना इतना आसान नहीं है। आपसी सहमति के बाद भी अगर जज चाहे तो पति पत्नी को अगले 6 महीने तक साथ रहने को कह सकता है। उसके बाद अगर उन दोनों को लगता है कि अभी भी डिवोर्स लेना है, तब कहीं जाकर उन्हें डिवोर्स मिले। एक बार अगर शादी के बंधन में बंध गए तो उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है अपने देश में करने से। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि बुरा वक्त बीत गया और यश की कुंडली का दोष भी खत्म हो गया। आप बस जल्दी से जल्दी यश और मेरी शादी का मुहूर्त निकलवाइए। यश, दिवाली के सेलिब्रेशन के बाद हम अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। कितना कुछ करना है, शॉपिंग करनी है, कार्ड का डिजाइन फाइनल करना है, वेन्यू सिलेक्ट करना है, सजावट कैसे होगी ये तय करना है, खाने का मेन्यू डिसाइड करना है। तुम देख लेना, हमारी शादी इतनी शानदार होगी कि लोगों को हमेशा याद रहेगी। सब लोग जल्दी ऊपर पटाखे जलाने के लिए आ जाओ, आ जाओ। ऋचा दीदी, कितने सारे पटाखे! वाओ गुलकर, आज तो हम जमकर पटाखे फोड़ेंगे। हाँ। ये लो, सब लोग आ जाओ, पटाखे फोड़ते हैं। थैंक यू यश जी, आज आपने हमारा सपना साकार कर दिया। ले भाई गुलकन, तू पकड़, हमारी तो हो गई दिवाली। चलो भाई बैठते हैं। चलो चलो। अंजलि दीदी, आओ ना पटाखे फोड़ते हैं। अरे गुलकन, अंजलि पटाखे नहीं फोड़ती। अंजलि को बचपन से ही पटाखों से डर लगता है। तुम यहाँ पे पटाखे फोड़ोगे, वो वहां चली जाएगी। अंजलि, क्या तुम्हें सच में पटाखे फोड़ने से इतना डर लगता है? यश जी, हमें किसी और को पटाखे फोड़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम खुद नहीं फोड़ सकते। तो ठीक है, आज मैं तुम्हारा ये डर निकलवा दूंगा। हाँ? हो ही नहीं सकता। क्या मतलब? आप हम यश जी, आप हमें पटाखे फोड़ने के लिए मत कहिएगा प्लीज। ये लो, फुलझड़ी पकड़ो, ये पटाखा नहीं है, फूटेगा नहीं। नहीं, हम ठीक है ना, हम यहाँ पे ठीक है। हो ही नहीं सकता, अंजलि फुलझड़ी भी नहीं जला पाएगी। सही कह रही है रिचा। आज के बाद तुम्हारा सारा डर दूर हो जाएगा। पकड़ो। नहीं, आंखें खोलो अंजलि, देखो कितना सुंदर लग रहा है। एक और ये जी, एक और गुलकंद, ये लो रिचा, देखो माई, देखो।
सच में बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए। आज तुम पहली बार पटाखा भी फोड़ोगे। हाँ। क्या पटाखा? ये तो हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, अंजलि पटाखा नहीं फोड़ पाएगी। चैलेंज एक्सेप्टेड रिचा। अंजलि आज अपने हाथ से पटाखा जरूर फोड़ेगी। अंजलि डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं 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 नहीं, ये चीज ये नहीं होगा, हमें बहुत डर लगता है, नहीं होगा हमसे। होगा अंजलि, जरूर होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब यश अंजलि के साथ है तो डरने की क्या बात है। चलो अपनी फुलझड़ी से आग लगाओ। अंजलि संभल के। बदमाश है, यहीं बम फोड़ रहा है, उधर जाके फोड़ रहा। देखा अंजलि, आज तुमने अपने हाथों से पटाखा फोड़ा, कुछ नहीं हुआ ना, अब तो नहीं डरोगी ना? नहीं, मजा आ गया, मैं रिचा से चैलेंज भी जीत गया। देखा रिचा, बचपन से लेके आज तक हम जिस डर की कैद में थे, आप दोनों की वजह से उस डर से आजाद हो गए। अब देखना, आप दोनों की शादी में सबसे ज्यादा पटाखे हम ही फोड़ेंगे। अब तो हम अपनी शादी की तैयारी शुरू कर सकते हैं ना यश? चुप क्यों, कुछ तो बोलो। अब तो अंजलि ने भी खुशी खुशी कह दिया है ना कि तुम्हारा और उसका रिश्ता खत्म। हमारी शादी होगी तभी तो वो ढेर सारे पटाखे फोड़ेगी। क्या हो रहा है ये, अचानक ऐसे दिवाली मनाने के लिए हमें क्यों बुलाया? राम रावण पर विजय प्राप्त कर योद्धा लौटे थे और अंजलि यमराज को हराकर घर वापस लौटी है। इसी खुशी में हम ये दीपोत्सव मना रहे हैं। आप आ गए, बहुत खुशी हो रही है ताऊ जी, अब आपका आशीर्वाद भी मिल जाएगा अंजलि को। एक बार नहीं 10 बार हमने यश की कुंडली देखी थी। समझ में नहीं आ रहा कि हमारी भविष्यवाणी गलत कैसे साबित हो गई। यश से शादी करके भी बच कैसे गई अंजलि? एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।